गोंदिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा 29 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मुफ्त दही हांडी का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से कई गतिविधियां संचालित की जा रही है और इस वर्ष पहली बार गोंदिया के नेहरू चौक पर भव्य निःशुल्क दही हांडी का आयोजन किया गया है। विजेता टीम को नकद पुरस्कार दिया जाएगा। आयोजकों की ओर से इसमें शामिल होने का चैलेंज किया गया है। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर 29 तारीख दिन गुरुवार शाम 4 बजे से 8 बजे तक निःशुल्क भव्य दही हंडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मैं सभी गोंदिया जिले वासियों, नगर वासियों, माताएं बहनों, नन्हे मन्ने बच्चों, युवा साथियों से आह्वान करता हूं कि इस जो निःशुल्क दही प्रतियोगिता है, दही हंडी प्रतियोगिता में भाग लेकर के अपना कला, जो अद्भुत कला जो मटकी फोड़ने का है, वो आकर के यहाँ पर दिखाए अपने समाज को और आनंद भी उठाए। गोंदियातील महत्वाचे जे चौक आहे नेहरू चौक, जितना प्रत्येक गोष्टीची सुरुवात गोंदियात झालेली आहे तितनाच आमचा आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषदद्वारा पहिल्यांदा ह्या वर्षी दहीहंडीचा कार्यक्रम केला जाणार आहे। आणि ह्या कार्यक्रमामध्ये आमचे प्रयत्न आहेत की ग्रामीण भागातील जे प्रतियोगी आहेत त्यांनी उत्साहाने भाग घ्यावा। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया। आपलं आयुष्य म्हणजे आंधळी कोशिंबिरीचा खेळ नाही, कारण अचानक कुठलंही संकट येऊन धडकू शकतं। त्यासाठी डोळे सतत उघडे असायला हवेत, अन्यथा अंदाज चुकून आपणच अडचणीत येऊ शकतो। अनेकदा आपण आपत्ती टाळू शकत नाही, पण सतर्कतेमुळे कमीत कमी नुकसान होईल याची काळजी घेऊ शकतो। संकटात घाबरून न जाता मार्ग काढू शकतो। शासकीय सूचनांचे पालन करून आपण मदत पथकाला सहकार्य करू शकतो। आपत्तीविषयी सतर्कता वाढावी आणि आपत्ती व्यवस्थापन सोयीचे व्हावे म्हणून शासनानं मौसम, मेघदूत, सचेत, भूकंप हे ॲप्स विनामूल्य उपलब्ध केले आहेत। त्यांचा वापर करा। सतर्कतेमुळे जीवितहानी बरोबरच वित्तहानी सुद्धा टळू शकते। प्रसंगावधान राखा, योग्य कृती करा। आपत्ती व्यवस्थापन आयुष्याचे संवर्धन। आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन।